नमस्कार, बीटाउन की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट अंकिता। चलिए नजर डालते हैं बॉलीवुड की टॉप खबरों पर। एल्विश यादव एक बार फिर चर्चा बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में एल्विश यादव एक जाना माना नाम है। बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी ने उनकी पॉपुलैरिटी दोगुना कर दिया। इस बीच अब एल्विश के खिलाफ FIR दर्ज होने की जानकारी आई है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके अलावा उन पर गैर कानूनी रेव पार्टी आयोजित करने और वहां विदेशी लड़कियों को बुलाने के भी इल्जाम लगे हैं। हर हफ्ते वीकेंड कवार में बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स को अभिनेता सलमान खान से जमकर फटकार मिलती है। इस हफ्ते भी कई कंटेस्टेंट्स पर सलमान खान का गुस्सा फूटेगा। जी हां, सलूपिया अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन की पोल खोलेंगे और उनके द्वारा तोड़े गए नियम का पर्दाफाश करेंगे, जो शायद उनके घर वापसी की वजह भी बन सकता है। लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान ने विक्की जैन और अंकिता लोखंडे की क्लास लगाई, क्योंकि उनके पति ने एक बड़ा नियम तोड़ा। जी हां, सलमान खान की हत्या अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन चढ़े। सलमान ने बताया कि विक्की ने बिग बॉस का सबसे बड़ा नियम तोड़ा, जो कि शो से पहले नील भट्ट से बात करना था। सलमान के पूछने पर विक्की ने कबूल किया कि उन्होंने शो में आने से पहले नील भट्ट से कॉल पर बात की थी। उर्फी जावेद आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में आ ही जाती है। अब हाल ही में उर्फी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दो महिला पुलिस अधिकारियों ने कस्टडी में लेते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते नजर आई। उर्फी जावेद के इस वीडियो को इंस्टेंट बॉलीवुड ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें उर्फी जावेद एक कॉफी शॉप से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उस दौरान ही कुछ पुलिस वाले उर्फी जावेद को कस्टडी में लेने के लिए आए। वीडियो में दो महिला पुलिस ऑफिसर उर्फी जावेद को उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने को कह रही है। सलमान खान की बदौलत बस्ती का हस्ती रैपर MC स्टैन फिल्म पर्रे से प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। यह MC स्टैन की डेब्यू फिल्म है। आपको बता दें, यह MC स्टैन की डेब्यू फिल्म है, पर यहां तक पहुंच पाना रैपर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। MC स्टैन का असली नाम अल्ताफ शेख है। रैपर पुणे के रहने वाले हैं। बचपन से ही MC स्टैन का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, उन्हें गाने लिखने का शौक था। इसमें केवल 12 साल की उम्र से रैपर ने कव्वाली गाने से शुरुआत की। MC पॉपुलर रैपर रफ्तार के साथ भी परफॉर्म कर चुके हैं। हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है। इस दिन हर कोई डरावनी ड्रेसेस पहनकर अपने घरों को डरावनी चीजों से सजाते हैं और गेम्स खेलते हैं। इस त्योहार को वैसे तो ज्यादातर विदेशों में मनाया जाता है, लेकिन हाल ही के सालों में ये भारत में काफी फेमस हो गया है। इस फेस्ट को गए हुए काफी दिन हो गए, लेकिन स्लेब्स में भी अभी भी इसका क्रेज देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स ईशा देओल, अभय देओल, सुजैन खान, अरसलान गोनी और श्वेता बच्चन जैसी कई मशहूर हस्तियों ने हैलोवीन थीम वाली पार्टी की और इसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें सब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं।